हेलो अस्सलाम वालेकुम। आज का ब्लॉग मैंने शाम में स्टार्ट किया। बेसिकली मैं सुबह ही करती हूँ स्टार्ट में, लेकिन सुबह साथ को छोड़ के आई थी स्कूल को, उसके बाद वहाँ से आके फिर मैं सो गई थी तो शाम में उठी तो अभी साथ को भूख लग रही है। मैं तो हालांकि नाश्ता कर लिया, सिर्फ चाय रह गई है मेरी चाय पीने के लिए। साथ को भूख लग रही है, साथ क्या खाएगा? समोसा पाव। तो ये समोसा दिलाने ले आ रही थी इसको, और मुझे थोड़ा कुछ काम भी था नीचे, तो मैं कि चलो उसको नाश्ता भी दिला देंगे और जो काम है वो भी कर लेंगे। थोड़ा बारिश भी बंद है, मैं कि फटफट होके आ जाते हैं। मैं इनके आके देखते हैं फिर क्या करना है, और मिलते हैं फिर आपसे बाहर से आके। इनसे नहीं, बाहर भी मिलेंगे, बाहर मिलते हैं फिर। साथ को ये सैंडल पसंद आ गई। हाँ है, साथ को चप्पल पसंद आ गई, फिर हम लोगों ने ये चप्पल ले ली। बोलो बाजार में जाओ, और जो खुद को लेना है ना वो बच्चों के चक्कर में भूल जाओ, क्योंकि साथ की हमेशा इससे प्रॉब्लम रहती है। वो ना बहुत बाजार में जाकर मम्मा ये दिला दो, मम्मा ये देख लो, मतलब उसके चक्कर में आपका माइंड ऐसा हो जाएगा कि मेरे को जो खुद को लेना मैं भूल जाती हूँ, और शायद सभी मम्माओं का ऐसा ही हाल होता होगा। मुझे जो लेना था मैंने कुछ ले लिया, जैसे आई थी वैसे जा रही हूँ। उन्होंने साथ की चप्पल लिए थे, साथ को चप्पल चाहिए थे ऐसी, मतलब बरसात के हिसाब से पहनने के लिए। साथ पहन के जैसे थोड़ा सा चला ना तो काटने लगी, फिर हम वापस गए। अच्छा, वो पूरी कहानी बता रही, फिल्म की कहानी बता रही हूँ मैं। मतलब चप्पल ली थी, काट थोड़ा सा चला, इसको वॉक करा चले, और हाँ पीली चप्पल दिखाए थे, फिर रेड लिए, फिर चप्पल उसको काट रही थी, थोड़ा सा चला नहीं, बोला मम्मा चप्पल काट रही है। फिर हम दोबारा रिटर्न गए मार्केट में, फिर चप्पल चेंज करके फिर घर पे जा रहे हैं। फ्रेंड्स एक चीज़ आपको दिखाती हूँ, बचपन में आप लोगों ने मत खाई होगी, उसे देखकर मुँह में पानी आ जाता है। तो क्या है इसको, क्या बोलते हैं, स्टार फ्रूट ना, स्टार फ्रूट। वो हम लोग क्या कमरक बोलते हैं इसको, वो खट्टी मीठी होती है, और साथ लाया हाँ कमरक भी बोलते हैं ये स्टार फ्रूट ना। उसको स्कूल की छुट्टी होती थी, हम लोग घर पर बहुत खाते थे इसको, और साथ लेके आए लड़कियों वाला। साथ को ये चीज़ें बहुत अच्छी लगती है, खट्टी मीठी। सांस फूल रही है बहुत तेज। हम लोग बाहर गए थे कुछ काम से गए थे, मतलब ऐसे ही दूध वगैरह लेना था, तो वही लेने के लिए गए थे। अरे मान खा रहा है, बरसात में बाहर जाना किसी टास्क से कम नहीं है, मुश्किल है ना बाहर जाना। हाँ। साथ में तो कुछ खाया बहुत, मैं वो कैप्चर नहीं कर पाई, बहुत तीखा वो आती है ना चाइनीज़ भेल, साथ में चाइनीज़ भेल खाई, और मैं ऐसी आ गई, छाता पकड़ के आ गई। फिर मगरिब हो गई है, 3 दिन से चल रहा है ये ब्लॉग, और 3 दिन से मैं ये सोच रही हूँ कि अच्छा सा ही वीडियो निकल के आए सामने, लेकिन नहीं ऐसा नहीं हो पा रहा है, और बस ऐसी वो बन रहा है जैसे ही आप देखिए प्लीज़। और क्या लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करें, और बेल नोटिफिकेशन दबा दीजिएगा हमारे आने से आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए। इसको सब आता है बच्चे को, मेरे को कुछ नहीं। चलो अपने मगरिब हो गई, नमाज़ पढ़ते हैं, नमाज़ पढ़ के देखते हैं क्या और कैप्चर कर पाते हैं वीडियो में। और आपको अगर हम लोग के ब्लॉग में कुछ कमी लग रही तो कमेंट में बता देना। हाँ ये अच्छी बात कही साथ में, कि अगर आपको कुछ भी लग रहा है कि आपको हमसे कुछ गलती हो रही है, कमी है, कुछ कमी है, हम प्रॉपर नहीं, अच्छे से नहीं बना पा रहे हैं, और ये आप कुछ आप बाहर का कुछ क्या
घर का कुछ देखना चाहते हो तो आप हमें कमेंट करेंगे ना, आप हम आपका कमेंट पढ़ के आपको रिप्लाई भी करेंगे उस चीज़ का। प्लीज़ आप कमेंट करिए, करिए। कमेंट करने से क्या होता है, एक बात आगे बढ़ती है। चलो क्या बात, सामने वाले बंदे ने क्या बात पूछा है, क्या कहा है, हम उसका रिप्लाई दे सकें। अभी नमाज के लिए लेट हो रहा है, मैं नमाज़ पढ़ के बात करती हूँ आपसे इंशाल्लाह। साथ का खाना खाने का टाइम हो गया, लेकिन साथ ना सिर्फ दिखा रहा है कि वो हाथ लगा रहा है, खाना खिलाने वाली मैं ही हूँ। हाँ साथ, क्यों नहीं खाता बेटा तू अपने हाथ से खाना? देख, एक औरत जब माँ बनती है ना तो खुशी एक